जिंदगी में कभी अगर आपको भी घमंड आ जाए तो शमशान का एक चक्कर लगाना, तुमसे बहुत अच्छे अच्छे लोग वहाँ राख बने हुए पड़े हैं। हाय, मैं सूरज राम राजपूत DAV इंटर कॉलेज से आपके लिए लेकर उपस्थित हैं कक्षा 9 गणित। टॉपिक चल रहा था बहुपद। आज बहुपद के अंतर्गत देखेंगे आप कुछ एग्जाम्पल। आइए एग्जाम्पल नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन से बहुपद हैं? निम्नलिखित में से कौन से बहुपद हैं? निम्नलिखित में से कौन से बहुपद हैं? ऑप्शन दिए जा रहे हैं 3x² - 7x + 6। फर्स्ट ऑप्शन दिया है, सेकंड x² - √3x + 4, थर्ड 3√x + 5, चौथा पार्ट 13, पांचवा पार्ट a + 5/a + 6। निम्नलिखित में से कौन कौन से बहुपद हैं? तो बहुपद की आपको पहचान बताई गई है। क्या है वो पहचान? ऐसा कहा गया है बहुपद के लिए कि बहुपद में जो चर राशि पर जो पावर होती है, चर राशि पर जो घात होती है, वो हमेशा कैसी धनात्मक होनी चाहिए और पूर्णांक होनी चाहिए। तो यहाँ x/2 है, यहाँ x/1 है, और यहाँ x/2 कुछ नहीं है, 0 है। तो ये क्या है? ये एक कैसा है? धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। इसका मतलब ये बहुपद है। x/2 x/1, यहाँ भी चर राशि पर घातें कितनी है? चर राशि पर अगर घात आप देख रहे हैं तो ये भी कैसा है? बहुपद है। यहाँ पर आ जाएं तो x/2 कितनी है? 1/2। जब 1/2 है तो ये इसका मतलब बहुपद नहीं है। यहाँ क्या है? 13, बहुपद है। ये 1/a पे पावर कैसी हो जाएगी? -1, बहुपद नहीं है। इस तरीके से आप इनकी पहचान बहुत ही आसानी से कर सकते हो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक की घात ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक की घात ज्ञात कीजिए। 5x² - 2x + 1, 1 - 5t / 4, 7x^4 - 3x/6 + 2, a, b, c और d। आप देखेंगे बहुपद की घात
यानी किसी भी बहुपद में किसी भी पद पर अधिक से अधिक लगी हुई घात, बड़ी से बड़ी घात जो होती है वो क्या कहलाती है, बहुपद की घात। तो इसमें देखेंगे, इसमें जो बहुपद की घात है वो घात मैक्सिमम कितनी है, दो, तो घात बराबर दो। इसमें घात बड़ी से बड़ी कितनी है, चार, घात बराबर चार। इसमें घात कितनी है, कुछ नहीं है तो शून्य। इसमें घात कितनी है बड़ी से बड़ी, छः। तो ये आसानी से पहचाने जा सकते हैं कि घात कितनी होगी, ठीक। ये आप घातों को आसानी से देख सकते हैं और ऐसी कोई भी समस्या नहीं है। एक और को एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको एक्सरसाइज करवाएंगे। निम्नलिखित पचास घात का एक द्विपदीय घात दस का एक पदीय घात पांच का त्रिपदीय एक अचर बहुपद लिखिए। ये दिए गए हैं आपको एग्जाम्पल नंबर तीन के अंतर्गत, पचास घात का एक द्विपदीय, तो पद कितने होने चाहिए, दो, और घात कितनी होनी चाहिए, पचास। तो आप लिख सकते हैं एक्स पावर पचास प्लस थ्री। तो ये पचास घातीय द्विपदीय व्यंजक है। घात दस का एक पदीय, घात दस होनी चाहिए तो एक्स पावर दस, ये दस घात वाला हो गया एक पदीय। घात पाँच का त्रिपदीय, त्रिपदीय एक्स पावर फाइव प्लस थ्री, एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये घात इसकी कितनी हो गई, पाँच। एक अचर बहुपद, एक अचर बहुपद कोई भी अंक लिख दीजिए, क्या हो गया, एक अचर बहुपद हो गया। आपको ये तीन पॉइंट बताए गए, आप आसानी से इन्हें लिख सकते हैं। अब एक बार किसी बहुपद को लिखने के बाद उसे मानक रूप में और स्टैंड करके देखिए, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। एक्स पावर थ्री प्लस टू एक्स पावर फाइव प्लस नाइन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स पावर सिक्स प्लस सेवन एक्स माइनस टू एक्स पावर फोर प्लस एट, इस तरीके से लिखा हुआ है। इन्हें क्या है, इसके मानक रूप में लिखना है, मानक रूप। कैसे लिखेंगे मानक रूप, आप दो तरीके से लिख सकते हैं, कैसे कैसे, आरोही क्रम में अवरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में क्या, बढ़ती हुई, सबसे पहले बिना घात वाला आठ प्लस फिर एक वाला सात एक्स प्लस दो वाला नौ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स घात तीन माइनस टू एक्स पावर फोर प्लस टू एक्स पावर फाइव माइनस थ्री एक्स पावर सिक्स, ये आ गया। इसका जस्ट अपोजिट करके लिख दिया, माइनस थ्री एक्स पावर सिक्स प्लस टू एक्स पावर फाइव माइनस टू एक्स पावर फोर प्लस एक्स क्यू प्लस नौ एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस एट, इस तरीके से इसे लिखा जा सकता है आसानी से, कोई भी आपको समस्या नहीं आने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मधुर गुप्ता की एक्सरसाइज 2.1 लेकर हम आपके, या 2A लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।